कंट्री लीडर न्यूज, मैं हूं लक्ष्मी नारायण तिवारी। जनपद में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों ने खंड मुख्यालयों पर आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विकासखंड धनपतगंज से निर्विरोध परचम लहराने वाले यशवंत सिंह मोनू को गन्ना विकास अधिकारी राजेश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं बल्दी राय में ब्लॉक प्रमुख पद का शपथ समारोह पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मौजूद प्रधानों और एसडीएम राजेश कुमार सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जनता से अपील है कि एक डेढ़ मिनट का समय है, प्रमुख जी ने आप लोगों से वादे किए होंगे, आज वो रिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शपथ पत्र के माध्यम से, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं शिव कुमार सिंह जो प्रमुख क्षेत्र पंचायत बल्दी राय निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा प्रमुख के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ समारोह के दौरान भाजपा के पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ओम प्रकाश पांडे के साथ सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने मौजूद सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है, और आज आपने प्रमुख पद की शपथ ली है, आगे क्या रणनीति है? रणनीति केवल एक सोच एक है, समाज को कैसे आगे बढ़ाए और समाज में विकास की गंगा बने, जिस नाम से मैं जाना जाता हूँ। जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की हैसियत से भी मैडम जी तो प्रदेश में प्रथम स्थान है, और ब्लॉक में भी वही कोशिश होगी, हर गली जो भी हो स्वच्छ हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विकास हो। समाज का उत्थान तभी होगा जब हर क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि तभी हमारा समाज जागरूक भी होगा कि मुझे कौन सी योजनाएँ मिल रही है, कौन सी 72 योजनाएं ब्लॉक कर रहे हैं। एक भी योजना, कुछ प्रधान ऐसे होंगे जो कि सभी सारी योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारी योजनाओं के बारे में हमारे प्रधान को भी, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अवगत रहे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे क्षेत्र में काम क्या हो रहा है, क्षेत्र पंचायत से क्या हो रहा है, जिला पंचायत से क्या हो रहा है, विधायक से क्या, विधानसभा से क्या हो रहा है, सांसद से क्या हो रहा है, कौन सी नीति से कौन सा काम हो रहा है। तो मैं सबसे ज़्यादा तो पूरे ब्लॉक को इस बात पे जागरूक करना चाहता हूँ कि आपका अधिकार क्या है, आपको अधिकार मिल रहा या नहीं मिल रहा। पहली प्राथमिकता मेरी होगी हमारे सभी सम्मानित प्रधानों का और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, मैं इनके बीच में रहकर इनके अधिकार का मैं पहले उनको सारा अधिकार मिले, क्योंकि बहुत से ऐसे अधिकार हैं इनको पता ही नहीं है और कौन सा अधिकार हमारा है। 2022 में विधानसभा चुनाव वाला है, इसमें क्या रणनीति रहेगी, चुनाव लड़ेंगे आप या ये पार्टी का ऊपर हाई कमान का निर्देश जो होगा ये सब हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर पार्टी ने हमें अधिकृत किया, प्रत्याशी बनाया, तो उसमें भी समाज को मैं पूरी ताकत से जोड़ने का काम करूँगा, और उसके बाद ही विकास की तीसरी गंगा बहेगी ब्लॉक से लेकर जिले तक और विधानसभा में। लेकिन ये सब रणनीति ऊपर वालों का है, बहुत ऊपर बैठे हुए हैं लोग, अब उनको हमारे बारे में क्या सोच है। हमको तो बहुत कुछ दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष भी दिया, ब्लॉक प्रमुख भी, उसका भी टिकट मुझे दिया गया, तो मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की चाहत और लालच नहीं है। लेकिन अगर पार्टी का नेतृत्व कहता नहीं आपको विधानसभा लड़ना है, तभी मैं कदम बढ़ाऊँगा, अन्यथा जिसको पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। यही मेरी सोच भी है, यही मेरा आगे विचार है। इसी क्रम में कूरे भार में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रेनिया सिंह को जिला सांख्यिकी अधिकारी पन्नालाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
तो जयसिंहपुर में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख राहुल शुक्ला ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और क्षेत्र के समग्र विकास का जनता को भरोसा दिलाया।